भगवान शिव का प्रतीक को माना जाता है रुद्र। जी हाँ, भगवान शिव के प्रतीक को रुद्राक्ष के रूप में भी जाना जाता। यूं तो रुद्राक्ष धारण करना बहुत लाभकारी होता है। माना जाता है कि जो भी रुद्राक्ष को धारण करता है उसके जीवन से सभी कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। वहीं आपको बता दें, शिव महापुराण में कुल 16 प्रकार के रुद्राक्ष बताए गए हैं और सभी के देवता, ग्रह, राशि और कार्य भी अलग अलग बताए गए हैं। ऐसे में चलिए आज हम अपने इस रिपोर्ट के माध्यम से ये बता देते हैं कि आखिरकार रुद्राक्ष को धारण करने के लाभ क्या है। बताना चाहेंगे आपको कि हर प्रकार का रुद्राक्ष आपको अलग अलग फल देता है। जैसे कि एक मुखी रुद्राक्ष आपको अलग फल देगा, दो मुखी रुद्राक्ष आपको अलग फल देगा। तो शुरू से लेकर अंत तक हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो आपको शोहरत और पैसा दिलाता है, वहीं दो मुखी रुद्राक्ष आपके आत्मविश्वास और मन में शांति लेकर आता है। तीन मुखी को धारण करने से मन की शुद्धि होती है और जीवन स्वस्थ रहता है। चार मुखी रुद्राक्ष जो कि आपके मन को एकाग्र बनाता है, आपकी मानसिक क्षमता को तेज करता है। पांच मुखी इसे ध्यान और आध्यात्मिक कार्यों के लिए पहना जाता है। छह मुखी रुद्राक्ष इसे ज्ञान, बुद्धि, संचार, कौशल और आत्मविश्वास के लिए पहना जाता है। सात मुखी आर्थिक और करियर के विकास के लिए। आठ मुखी अगर आपको करियर में बाधा आ रही है तो आठ मुखी का रुद्राक्ष आप धारण करें। नौ मुखी रुद्राक्ष जो कि ऊर्जा, शक्ति, साहस और निडरता पाने के लिए पहना जाता है। दस मुखी रुद्राक्ष इससे नकारात्मक शक्तियां जो हैं वो दूर रहती है, साथ ही वास्तु दोष भी दूर रहते हैं। ग्यारह मुखी रुद्राक्ष इसे धारण करने से रहता है आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और आप फैसले अच्छे से ले पाते हैं। बारह मुखी रुद्राक्ष इसे नाम, शोहरत, सफलता, प्रशासनिक और नेतृत्व करने के गुणों का विकास करने के लिए धारण किया जाता है। तेरह मुखी रुद्राक्ष इसे मजबूत करने के लिए धारण किया जाता है। चौदह मुखी इसे छठी इंद्रिय जागृत करने के लिए धारण किया जाता है। वहीं गणेश रुद्राक्ष ज्ञान, बुद्धि और एकाग्रता के लिए धारण किया जाता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष इसे परिवार में शांति, विवाह में देरी, संतान नहीं होना ऐसी स्थितियों में धारण किया जाता है। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।